लाइव आप देख रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं गुरुग्राम के सेक्टर 44 में यहाँ पर झुग्गियों में बहुत ही ज़्यादा भीषण आग लग गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले वी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। धू धू कर ये आग जल रही है और देखिए कि कितना ज़्यादा ये जो धुआं का गुमार है वो किस तरीके से चल रहा है। हालांकि कुछ लोग भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अफरा तफरी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है, और एक तरफ भीषण गर्मी भी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अचानक से ये आग लग गई है। अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों से आग लगी है। कई लोग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई है, एक तरफ लोगों की अफरा तफरी का माहौल भी है, और देख सकते हैं किस तरीके से धुएं का गुमार निकल रहा है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसे लगी आग? मैडम मुझे तो नहीं पता कैसे आग लगी, इनका कुछ आपसी वो था, भीड़ छिकट गिर गई होगी और इनका काम कुछ ऐसा है व्यापार का, तो शायद उस जगह से। किस चीज़ का व्यापार था? व्यापार इनका झुग्गी का व्यापार है, कबाड़े का काम इनका। कबाड़े का काम? कबाड़े का काम है, उसमें एक तिल्ली लगी, ये शराब पीते हैं, कुछ भी करते हैं। यह हमारी ये सारी शॉप है जो हमने खरीदी हुई है शॉप, और उसके पीछे ये कुछ अपना व्यापार करते हैं, तो उस वजह से पता नहीं यहाँ कैसे आग लगी। बस कितने बजे के वक्त लगी ये आग? लगी अभी एक घंटा पहले। अभी तक कोई फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची? अभी तो कोई नहीं आया, फिलहाल लाने वाले हैं। अभी किसी ने कंप्लेंट की हो तो कोई आएगा, वैसे आएगी नहीं, क्योंकि ये सारी शॉप मेरी है इधर, ये सेक्टर 44 129 पॉलिसी बाजार। लोड फ्रॉम झाड़सा। तो सुना आपने कि अभी तक कोई फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची है, लोग कोशिश कर रहे हैं पानी से आग को बुझाने का, क्योंकि उनका जितना भी सामान है वो जलकर खाक हो गया है। आप देखिए अफरा तफरी का जो माहौल है किस तरीके से देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ये भीषण आग लगी है, और ऐसे में जो धुआं का गुमार है वो भी अपने चरम पर है। वहाँ देख सकते हैं लोगों की अफरा तफरी, जो भी बचा कुचा सामान है उसको ले जाने की कोशिश की जा रही है। अमूमन इस तरीके की पहली तस्वीर नहीं है, कई तस्वीरें इस तरीके की देखने को मिली हैं, चाहे वो सदर बाज़ार की बात हो या फिर कई मार्केट की ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक तरीके से लोग, और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश लोगों की यही है कि कुछ जो बचा कुचा सामान है उसको बचाया जा सके, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए अफरा तफरी का माहौल बहुत तेज़ी से चल रहा है, अभी जो आप सायरन की आवाज़ भी सुन सकते हैं, ऐसे में ये समझा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पहुँचने वाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँच गई है, जैसे ही सूचित किया उसके कुछ ही क्षण बाद फायर ब्रिगेड की टीम, और देखिए कि दो गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की यहाँ पर पहुँच गई है। हालांकि आगे जाना खतरे से खाली भी नहीं है, मैं कैमरामैन को कहूँगी कि पीछे की तरफ आएं, और देखिए कि अफरा तफरी का माहौल किस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। दो गाड़ियाँ पहुँची है और कहा ये जा रहा है कि एक घंटा हो गया है आग को लगे हुए, हालांकि जो सारा सामान है वो जलकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। तो फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है, और जल्दी ही आप सीधा लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। वी न्यूज आपको ये सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहा है गुरुग्राम के सेक्टर 44 ये मार्केट स्थित, यहां पर झुग्गियों में किस तरीके से जो एक घंटे पहले आग लगी थी, हालांकि तस्वीरें अपने आप में भयावह तस्वीरें हैं क्योंकि जो सामान है वो पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गया है, लेकिन जो यहाँ पर झुग्गी में बसने वाले जो लोग हैं सोचे कि उन पर क्या बीत रही होगी। और देखिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं, और ऐसे में कड़ी मशक्क़त भी देखने को मिल रही है उनके द्वारा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, दो गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पर मौजूद हैं, और ऐसे में कोशिश भी है कि कुछ जो बचा कुचा सामान है लोग प्रयास भी कर रहे थे उनको यहां से हटाने का, और जब ये आग लगी तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना नुकसान हो जाएगा। कितने बजे ये आग लगी, कुछ जानकारी आप? चार बजे लगी है। कैसे लगी आग ये तो नहीं पता, ये नहीं पता नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम को कितने बजे तक सूचित किया गया था? 10 मिनट बाद किए गए थे। 10 मिनट बाद।
तो इतना वक्त लग गया उनको आने में। सुना आपने कि फायर ब्रिगेड 4 बजे के अराउंड ये आग लगी थी, 4 बजे के वक्त, और किन कारणों से आग लगी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया इसका। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि किन कारणों से ये आग लगी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर कोशिश कड़ी मशक्कत में लगी हुई है, आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी देख सकते हैं कि जितने भी झुग्गी के बस्ती के लोग हैं, उनका जो सामान है, जितनी भी यहाँ पर झुग्गी थी, वो जल के पूर्ण रूप से खाक हो गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि एक भारी नुकसान उनको ये हुआ है। सीधा ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या तस्वीर इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 44 की है। कैसे लगी आप पता है कुछ? कोई पता ना। देखिए लाइट शॉर्टकट हुआ है, शॉर्ट सर्किट। ये अपना आप बच्चे भीतर थे, कूलर चल रहा था। किसी को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, वैसे बच्चों को कोई नियंत्रण नहीं था इसमें। सारा सामान जल गया? सामान सारा जल गया। कितने बजे के अराउंड ये आग लगी? 15-20 मिनट पहले। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया था? अभी तक कोई सामान, जो आप लोग देख भी रहे थे हम तस्वीरों में कि आप लोग सामान निकाल रहे थे अपना, सामान सारा जल गया जी। सारा जल गया सामान। ये सामान जला हुआ भी आप देख सकते हो। जहाँ तक कोशिश की है बचाने की, पर धुआं ने, आग ने हमको घुसने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया। तो सुना आपने कि देखिए कि ये जो लोग हैं यहाँ पर रहते हैं जो कि झोपड़ी में, और उनका कहना है कि कुछ ही देर पहले 20-25 मिनट पहले यहाँ पर आग लगी थी। किसी को कोई नुकसान नहीं, जनहानि कोई नहीं हुई है, सामान ही जला, सामान ही जला है, सामान सामान जला। कुछ आइडिया कि कितना सामान अभी तक इसमें जला है? सामान तो सारा जल गया, सारा कुछ ही है, थोड़ा बहुत हमारा वैसा ही बचा ही है, जला हुआ आधा, जलाया आधा। ऐसे क्या रोजगार आप लोगों का? ये कबाड़े का काम, कबाड़ का काम है। तो सुना आपने कि कबाड़ का काम है। हालांकि कोशिश जारी है, फायर ब्रिगेड की जो टीम यहाँ पर पहुँची है, और ऐसे में जो जिस तरीके से जानमाल को नुकसान हुआ है, हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि किसी व्यक्ति विशेष को क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन उनका जितना भी सामान है वो जलकर राख हो गया है। जब यहाँ पर आग लगी, आप यहाँ पर थे? नहीं। इधर
इधर करा दो जनाब। इधर करा दो, इधर ठीक से देख सकते हैं गुरुग्राम के सेक्टर 44 की ये तस्वीरें, जो पूरी रूप से जो झुग्गी झोपड़ियां यहाँ पर मौजूद थी वो पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गई हैं और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई थी। हालांकि लोगों की अफरा तफरी का माहौल भी है और जो झुग्गी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनका जितना भी सामान है वो पूर्ण रूप से जलकर खाक हो गया है और ऐसे में उनका ये भी कहना है कि 1 घंटे पहले यहाँ पर आग लगी थी, अचानक से ये आग लगी थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी। हालांकि एक तरफ आप देख भी रहे हैं कि भीषण गर्मी का माहौल भी है और देखिए कि जितना भी सामान था वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। अभी भी लोगों की अफरा तफरी बनी हुई है लेकिन ये समझा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो थोड़ी हद तक सामान्य है क्योंकि आग पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की टीम जो पानी की बौछार कर रही है उससे ये हालांकि कुछ आग की जो लपटें हैं वो अभी भी जलती हुई नज़र आ रही हैं। तस्वीरें देखिए, एक तरफ लोगों की भीड़ भी लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है, कई लोग यहां पर मौजूद हैं और किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। गर्मी, भीषण गर्मी भी माना जा सकता है क्योंकि भीषण गर्मी भी से भी जनता जूझ रही है और ऐसे में शॉर्ट सर्किट होना भी आम हो जाता है। देखिए कि शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या खामियाजा जो झुग्गी के लोग हैं उनको उठाना पड़ गया है और कहा यह जा रहा है कि जो ये लोग यहाँ पर मौजूद थे वो कांच का कारोबार उनका चल रहा था, यहाँ पर जितनी भी शीशियों का कारोबार चल रहा था और अचानक से जो शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ लोग यहाँ पर जो रह रहे थे झोपड़ी में और जैसे ही ये वाकया हुआ उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर रहने वाले लोग जल्दी ही बाहर निकले और उसके कुछ ही देर बाद 10-15 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया जिसके 20 मिनट के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची है। फिलहाल अभी कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर रहना भी किसी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि धुएं का जो गुमार है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और पूर्ण रूप से जो सामान है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वी न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखा रहा है। गुरुग्राम का ये सेक्टर 46 है और अमूमन ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती हैं
अक्सर ऐसा खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ता है। कई तस्वीरें गुरुग्राम से इस तरीके की सामने आई हैं। आज खुद ही आप देख सकते हैं कि जब अचानक से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, उसके बाद जो आसपास के लोग थे, अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हालांकि वो माहौल अभी भी कायम है, अभी भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा चिंता और परेशानी देखने को मिल रही है। लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो कहीं हद तक लोग राहत की सांस भी ले रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई क्षति नहीं हुई है, यानी कि कोई नुकसान उनको नहीं पहुंचा है। लेकिन उनका जितना भी सामान था नहीं लगा, मुझे नहीं पता। मैं देख के मैं ऐसे ही आ गया। आवाज आप तक कोई कॉल पहुंची? कॉल नहीं पहुंची, मैं बिना कॉल के आ गया। आप बिना कॉल के आए हैं? कौन से अपना किसी काम से आया था, ये दिख गई तो मैं मेरा इलाका मैं रुक गया यहाँ। अच्छा, तो देखिए कि यहाँ पर हालांकि कई लोग जो सेक्टर से लोग भी यहाँ पर देखे पहुँचे हैं तस्वीरें देखने के लिए, कि आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीम तो अपना काम कर रही है और ऐसे में जैसे तैसे आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची थी उस वक्त लोग खुद से ही पानी का छिड़काव कर रहे थे।